नमस्कार दोस्तों मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एच डी क्लास में स्वागत है दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिक अंग लाने वाले ओ बी सी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों के हकदार कैसे सीट अलॉटमेंट गलत था सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से मिला जवाब पूरी खबर के लिए पूरे वीडियो देखिए इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेलीवीसी से सही वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा चलिए हम आपको बता रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है इसो आप वीडियो में बने रहिए देख लीजिए दोस्तों अधिक अंक लाने वाले ओबीसी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों के हकदार चलिए आगे देख लीजिए देख लीजिए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य सैनिक के नियुक्ति अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी है सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था इसके परिणाम स्वरूप सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आगे देख लीजिए सीटों को योग्यता के आधार पर अन्य से शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नार की पीठ ने उन्नीस सौ बिरानवे के इंदिरा सानी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया है देख लीजिए कल का न्यूज है आगे देख लीजिए आगे बता रहे हैं आपको देख लीजिए दोस्तों दूसरा कटिंग दिखाते हैं ज्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और सामान्य सीट के हकदार चलिए आगे देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का को क्या फैसला आया है सो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि नियुक्ति किए गए सामान्य वर्ग के अंतिम अभ्यर्थी से ज्यादा अंक पाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में समा... समायोजित करने की जरूरत है आगे देखिए ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को आरक्षित वर्ग के लिए तय सीटों में नहीं माना जा सकता शीर्ष अदालत ने कहा कि सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्ति पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी बी नाग रत्ना की पीठ ने उन्नीस सौ बिरानवे के इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मंडल आयोग फैसला सहित आगे देख लीजिए विभिन्न फैसलों पर गौर किया पीठ ने कहा है कि आलोक कुमार यादव और दिनेश कुमार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित है उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है देख ऐसे करते करते देख लीजिए पूरे भारत में आरक्षण खत्म हो जाएगा दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो जयजा लाइक और शेयर नहीं भूलिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जितना भी सोशल मीडिया उस पर दबा के शेयर कीजिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक आपका दिन सुबह टेक केयर बाय बाय फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स आ जय हिंद जय